हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेन गुरु। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स का फोर्थ क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकेंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट। इससे पहले दो पार्ट बन चुके हैं, ठीक है, जिसमें हमने कहाँ तक कवर किया है, हमने ये पूरा यहाँ तक एक एक क्वेश्चन कवर कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, ठीक है, रेस हुई। दिस इज द 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। ये क्या है? 100 मीटर रेस है। ये भी हमने कवर कर लिया था, है ना। ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे हमने। हम थे यहाँ पर लॉन्ग जंप, ठीक है। लॉन्ग जंप गेम जानते हो आप कौन सा होता है? जिसमें बहुत ऊंची ऊंची छलांग लगाई जाती है। देखो कि कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है और वो कितना ऊंचा कूद के कहाँ तक जा सकता है। यहाँ 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 यहाँ, इसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग जंप बोलते हैं, ठीक है। ये लॉन्ग जंप किसके लिए किया गया था? बॉयज के लिए किया गया था, ठीक है। तो धानु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। धानु जो है उसने सबसे लंबी छलांग लगाई, कितनी? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। गुरजीत इज सेकेंड। गुरजीत क्या, वो सेकेंड आया है। उसने कितनी लगाई थी? 2 सेंटीमीटर लेस देन धानुष, ठीक है। धानुष से कितना? 20 सेंटीमीटर कम। मतलब कि जो गुरजीत है, गुरजीत ने कितनी लॉन्ग जंप लगाई होगी? 3 मीटर 40 सेकेंड में हम क्या, 40 सेंटीमीटर में हम 20 सेंटीमीटर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना होगा? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये किसने लगाई थी? गुरजीत ने लगाई थी। और धानु ने कितने लगाई थी? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर गोपी कम्स थर्ड। गोपी क्या आई? थर्ड आई है। ये है सेकंड, धानु है फर्स्ट, गोपी थर्ड आई है। हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप, ठीक है। गुरजीत के जंप से, मतलब गुरजीत की कितनी थी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो उसकी गोपी की कितनी आई थी? 5 सेंटीमीटर लेस देन। तो हम क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे। तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर में हम 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचेगा? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ये किसकी जंप है? गोपी की, ठीक है। गोपी क्या? थर्ड आई थी। फर्स्ट कौन आया था? धानु आया था। धानु ने कितनी लंबी छलांग लगाई थी? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन आया था? धानु, सॉरी, सेकंड कौन आया था? गुरजीत। गुरजीत ने कितनी लगाई थी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। और गोपी ने कितनी लगाई? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, है ना। ये कौन आई थी? गोपी। फिर क्या है? अब देखो, हमें ये बताना है हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप। ये हमने बता दी है, ये मैंने ऊपर बता दिया, आप लोग आंसर लिख लोगे। क्या लिखोगे? हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप। तो गुरजीत की क्या है? गुरजीत की कितनी थी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और गोपी की, गोपी की कितनी है? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अब क्या करना है हमें? ट्राई करना है कि हम कितना, कितनी ऊंची और कितनी लंबी छलांग लगा सकते हैं, ठीक है। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। तो फिर आप कितनी लंबी और कितनी, मतलब सबसे लंबी आप कितनी बॉल फेंक सकते हो, ठीक है। कितने मीटर तक आप बॉल को फेंक सकते हो, ठीक है, वो लिखना है। तो आप एक बार ट्राई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। उसके बाद देखो क्या है, लुक फॉर अ बिग बॉल, ठीक है। एक हमें बड़ी सी बॉल ढूंढनी है। उसके बाद लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, जितनी फुटबॉल और वॉलीबॉल होती है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें उतनी ही बड़ी क्या करनी है? बॉल लेनी है। फुटबॉल ही ले लो। हाउ फार कैन यू किक इट, तो आप कितनी दूर तक उसे फेंक सकते हो, वो फेंक के, और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको? लिखना है, ठीक है। आगे क्या है? हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंडियन रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडियन रिकॉर्ड क्या होता है? जो सिर्फ हमारे इंडिया में खेला गया हो उसका रिकॉर्ड, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होगा? जो पूरे
मतलब पूरे वर्ल्ड में खेला हुआ उसका रिकॉर्ड। ठीक है, ये सिर्फ जंप के हैं, कुछ के हैं। स्पोर्ट्स कौन कौन है? हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप और लॉन्ग जंप। तो हाई जंप मैन के लिए भी है, वुमेन के लिए भी है, लॉन्ग जंप मैन के लिए भी है और वुमेन के लिए भी है। तो हाई जंप मैन के लिए सबसे मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया था? जयवीर एस। उसने कितना, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर उसने इतनी लंबी छलांग लगाई थी। ठीक है, और उसका इंडियन रिकॉर्ड कौन है? चंद्रपाल, उसने कितनी लगाई थी? 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉन्ग जंप में मैन ने कितनी लगाई, कौन है वो? माइक भी, उसने लगाई थी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। ठीक है, और इंडियन रिकॉर्ड किसका है? अमृतपाल, 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाई जंप में वुमेन का रिकॉर्ड किसका है वर्ल्ड रिकॉर्ड में? स्टेफका के, 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और इंडियन रिकॉर्ड किसका है? बॉबी ए, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। ठीक है, और लॉन्ग जंप में वुमेन सबसे मतलब लॉन्ग जंप किसका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है? गैलिना सी, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, है ना। और इंडियन रिकॉर्ड किसका है? अंजू जी, 6 मीटर 83 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या है? फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल्स। अब हमें टेबल में जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें से हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, अब सबको इरेज कर देते हैं तभी समझ में आएगा। अब देखो क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा पहला? हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप? इसने क्या बोला? पहले तो ये ढूंढो कि क्या इसमें बात किसकी हुई है, चंद्रपाल की बात हुई है। तो चंद्रपाल कौन है? ये रहे जिन्होंने इंडियन रिकॉर्ड बनाया था किसमें? हाई जंप में। ठीक है, तो इसने फिर क्या पूछा है? टू इक्वल मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप के लिए उसने मतलब उसने कितने ज्यादा उससे सेंटीमीटर लगाया था। देखो अब क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछा है लेकिन है क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। हमें क्या करना है, इसमें पूछ इसमें सिंपल सा सिर्फ इतना पूछा है कि चंद्रपाल ने, जयवीर ने चंद्रपाल से कितनी ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है। तो क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को 2 मीटर 17 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, मतलब जयवीर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से हम चंद्रपाल के इंडियन रिकॉर्ड को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो वो हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। तो आंसर क्या होगा? माइनस करके देखो, 5 में से 7 जाएगा नहीं, हम 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 8, फिर यहाँ 3, 2, मतलब 2 मीटर, सॉरी कितनी, 28 सेंटीमीटर क्या उसने ज्यादा छलांग लगाई थी। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड क्वेश्चन हमारा? हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर? इसमें क्या बोला है? अब देखो हमें क्या देखना है, बॉबी ए कहाँ पर है? ये रहे, इन्होंने क्या बनाया था? इंडियन रिकॉर्ड बनाया था किसमें? अच्छा, ये तो वुमेन है। हाई जंप में इन्होंने, बॉबी ए ने 1 मीटर 91 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया था, इंडियन रिकॉर्ड बनाया था, है ना। तो हमें ये बताना है कि इन्होंने 2 मीटर में से कितना कम किया है। तो देखो 2 मीटर इट मीन्स 0 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये पूरा ही 2 मीटर है, सेकेंड सेंटीमीटर तो है ही नहीं। तो 2 मीटर और 0 0 सेंटीमीटर को हम इसमें 1 मीटर 91 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? देखो 0 में से 1 तो जाता नहीं, हम कैरी लेंगे, तो 10 में से 1 गए 9, 9 में से 9 गया 0, फिर ये 0, मतलब कि 9 सेंटीमीटर इन्होंने क्या किया था? 2 मीटर से कम किया था। तो इसका आंसर क्या है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रिमेम्बर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, हाफ मीटर कितना होगा? जब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है तो इसका हाफ मीटर कितने सेंटीमीटर का होगा? सिंपल सी बात है, इसका भी हाफ हो जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर, है ना। फिर क्या क्वेश्चन पूछा है? गैलिनाज लॉन्ग जंप इज नियरली
अब इसमें पूछा है कि गैलिनास जंप कहाँ पर है। देखो गैलिना कहाँ है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ये भी वुमेन है, लॉन्ग जंप में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, कितने का, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर का, है ना। तो हमें इसमें बताना है 7 मीटर से इन्होंने कितना कम लॉन्ग जंप लगाया था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 मीटर इनकी जंप कितनी है, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 7 मीटर इट मींस 00 सेंटीमीटर हुआ ना, हम माइनस करेंगे तो कितना, 52 सेंटीमीटर इन्होंने क्या किया था, ज्यादा जंप करी थी, है ना। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या है, 52 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या है, 7.5 मीटर, 7.5 का मतलब क्या हुआ, हाफ मीटर मींस, देखो अभी बताया था 50 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर 50 सेंटीमीटर में से इन्होंने, मतलब कि हम क्या करेंगे, 7 मीटर, अच्छा इनके ज्यादा है तो मतलब 50 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे, तो 2 सेंटीमीटर ज्यादा लगाया था, ठीक है। इसका आंसर क्या है, 2 सेंटीमीटर। अब देखो इसका आंसर क्या है, 2 सेंटीमीटर है किसका, सेकंड वाले का, है ना, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर 8 मीटर से कितना कम लगाया था इन्होंने, कितना था, 7 मीटर और कितना था, 52 सेंटीमीटर, है ना, 52 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि 8 मीटर में से कितना कम लगाया था, तो 8 मीटर इट मींस 00 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं दिया है, तो फिर हम इसे माइनस करने के बाद कितना आएगा, 10 में से 9 2 गए तो 8, 9 में से 2 गए 4, और ये 0 मीटर, है ना, 0 बचा, 7 में से 7 गए 0, तो 0 मीटर लिखा नहीं जाएगा, तो 48 सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या है, 48 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। अब हमें वुमेन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि वुमेन के देखो दो ही जंप थे ना, हाई जंप और लॉन्ग जंप, तो हमें इन दोनों में से क्या बताना है, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप का डिफरेंस बताना है, मतलब हमें इसमें से इसे माइनस करना है और इसमें से इसे माइनस करना है, तो दोनों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, अच्छे से समझा दूं, लॉन्ग जंप और हाई जंप के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको माइनस करेंगे, फिर इसको और इसको माइनस करेंगे, तो इन दोनों को जब माइनस करोगे तो हाई जंप का डिफरेंस आएगा, और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो लॉन्ग जंप का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद करोगे, ट्राई करना, नहीं हो तो फिर बताना, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ माइक पी कुड जंप, माइक पी ने कितना जंप किया था, पहले तो ये देख लो माइक पी कहाँ पर है, ये रहे, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, कितना, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, कितना इनका, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, इतना ही है ना, 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, हाँ। उसके बाद पूछा क्या है, कुड जंप सेंटीमीटर लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर पूरा होने में उन्होंने कितना कम किया था, तो 9 मीटर इट मीन 00 सेंटीमीटर, माइनस करो कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, है ना, कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, तो इसका कितना आएगा आंसर, 5, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर मतलब कि 2.5 मीटर, इट मीन्स 2.5 मीटर को हम कैसे लिखेंगे, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि सबसे क्लोज किसका था, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के आसपास में किसका था, देखो 2 मीटर 50, पहले इरेज कर लो इसे अच्छे से कि दिखे हमें, 2 मीटर 50 के आगे आसपास किसका है, एक तो इसका है
और एक इसका है और इसका है, मतलब कि सबसे ज्यादा किसका है, 45 सेंटीमीटर वाला है ना, तो जेवीर एस का है, तो हम इसका आंसर क्या होगा, जेवीर एस। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, लॉन्ग जंप का। ठीक है, हमने लॉन्ग जंप के सारे क्वेश्चन कर लिए, अच्छे से समझ में आ गया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये जो एक मैंने आंसर आपको क्वेश्चन दिया है होमवर्क में, इसे कर लेना, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।